दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको टास्क मैनेजर कैसे ओपन करना है उसके बारे में बताऊंगा। पहले सबसे पहले जान लेते हैं टास्क मैनेजर का यूज क्या है। टास्क मैनेजर का यूज तब करते हैं दोस्तों जब आपका कुछ जो एप्लीकेशन है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, यहाँ तक कि क्लोज करने पर भी वो क्लोज नहीं कर रहा हो, तब हम क्या करते हैं, टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और उस पर उस एप्लीकेशन पर जाते हैं लिस्ट में एप्लीकेशन के जिसे हमें फोर्सली क्लोज करना होता है। वहाँ पर एंड का ऑप्शन होता है, वहाँ से हम उस प्रोसेस को एंड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रोसेस अगर ऐप जो है नॉर्मली स्टॉप नहीं हो रहा तो वो स्टॉप हो जाता है। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन तरीकों से उसे एक्सेस कर सकते हैं टास्क बार। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सर्च बार में लिखेंगे यस के नहीं जा रही है दोस्तों, आ गया है। सर्च बार एक्सेस करने के लिए आप विंडोज प्लस क्यू प्रेस कर सकते हैं, विंडोज प्रेस कर सकते हैं, विंडोज प्लस एस सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या यूज करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दूसरा सर्च पार्ट है दोस्तों विंडोज प्लस एस की प्रेस करना है आपको, विंडोज प्लस एक्स। यहाँ ऊपर टास्क बार, यहाँ जैसे अभी आप देख सकते हैं ये सब प्रोसेस वगैरह यहाँ पर चल रही है। और मोस्टली जो की कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको आप बता रहा हूँ कि वो क्या क्या है। ये चीज आपको पता होनी ही चाहिए कि कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ। अब तीन बटन आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। एस्केप यहाँ पर दिया हुआ है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, ESC इसे एस्केप बोलते हैं। तीनों का आपको प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। देखिए टास्क बार ओपन हो गया है, यहाँ पर दिखा रहा है गूगल क्रोम खुला हुआ है। दूसरा तरीका है दोस्तों कंट्रोल आल्ट डिलीट। नीचे में टास्क मैनेजर पर क्लिक करना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा टास्क मैनेजर क्या है, इसका यूज क्या है, इसे किस तरह से हम सब एक्सेस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आप इनमें से कौन सा शॉर्टकट या की कॉम्बिनेशन या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए। अगर आपको टास्क मैनेजर के बारे में पता नहीं था या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये आपको लगता है कि जिसे शॉर्टकट्स की ज़रूरत है उनके साथ तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मैं इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होने पर उनकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।